दोस्तों नमस्कार, मैं शंभुदास आप सभी का शंभुदास एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको गणित में कहां कहां कठिनाई होती है उसके बारे में बताया था, और इससे पहले मैंने अलजेब्रा पार्ट वन का वीडियो बनाया है। अब मैं अलजेब्रा में एक महत्वपूर्ण चैप्टर, एक महत्वपूर्ण विषय इक्वेशन के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप इक्वेशन, जिसके हिंदी में समीकरण कहते हैं, अगर आप समीकरण के बारे में जान गए, समीकरण बनाने के बारे में जान गए, तो आप कोई भी हिसाब बना सकते हैं। देखिए, समीकरण सीखने से पहले आपको एक बात बता दे कि गणित जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मेरा सबसे पहले वीडियो में मैंने यही बताया था कि जैसे जीवन में कोई भी समस्या हो तो उसके लिए एक प्लानिंग बनाया जाता है, और उस प्लानिंग के अनुसार एक्ट किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, तो एक समाधान निकल आता है, उसका एक सॉल्यूशन निकल आता है। तो ठीक उसी तरह मैथ्स में भी कोई ना कोई समस्या रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, सम रहेगा, तो उसका इक्वेशन बनाया जाएगा, समीकरण बनाया जाएगा, और समीकरण को स्टेज वाइज अगर कैलकुलेशन करते गए तो हम उसका एक हल निकाल लेते हैं, एक उसका मान निकल जाता है और वो समस्या समाधान हो जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं, चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि समीकरण कैसे बनता है। आज मैं पूरी वीडियो में समीकरण का समाधान आपको नहीं बताऊंगा, मैं विभिन्न समस्याओं को रखते हुए उसका समीकरण आपको बताऊंगा कि समीकरण कैसे बनते हैं। सवाल अगर ऐसा है कि यदि एक ऐसी संख्या बताइए जिसके 5 गुने में 6 जोड़ने से वो 36 हो जाता है, 5 गुने में 6 जोड़ने पर वो 36 हो जाता है, समस्या है। अब यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई एक संख्या होगा, उस संख्या के 5 गुने में 6 जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ऐसा तो अलजेब्रा चूंकि एक अव्यक्त राशि का गणित है, तो यहाँ पर संख्या को हम किसी चिन्ह के द्वारा अगर रिप्लेस कर देते हैं तो इसे लिखने में बहुत आसानी होगा। तो हम उस संख्या को मान लिए कि वो संख्या कितना है, x, तो संख्या के 5 गुने के साथ अगर हम 6 जोड़ दें तो वो हो जाता है 36। अर्थात ये हुआ इक्वेशन 5x प्लस 6 इक्वल टू 36। अब आप देखिए, ये हमारा समीकरण हो गया, क्योंकि समस्या यह था कि किसी संख्या के 5 गुने में 6 जोड़ने से कितना हो जाता है, वो 36 हो जाता है। तो ये हुआ इक्वेशन, इसे इक्वेशन। अब आपको बता दें कि ये जो इक्वेशन है ये कहां से आया, इक्वेशन, इक्वेशन एक इक्वल शब्द वर्ड से आया है, इक्वल, इक्वल से आया इक्वेशन, और हिंदी में इसे कहते हैं समीकरण, अर्थात सम माने होता है बराबर, करण बराबर करें, अर्थात अगर समस्या है तो समस्या में एक तरफ बताया गया है कि किसी संख्या का 5 गुना में 6 जोड़ दे, किसी संख्या के 5 गुना में 6 जोड़ दे हो जाता है कितना, 36, अर्थात कितने के बराबर हो जाता है, वो 36 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब है कि हम बराबर जब कर दें तो वही हो जाता है समीकरण, इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है,
इक्वेशन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए, इक्वेशन का प्रॉपर्टी जानने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉमन बैलेंस जो होता है, एक तराजू के बारे में आप जानिए। तराजू में क्या किया जाता है, तराजू के एक तरफ अगर 2 केजी का वेट रखा जाता है तो यहाँ 2 केजी का ही कोई ना कोई वस्तु रखा जाना चाहिए, तभी इसका जो पॉइंटर है वो इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। अगर इसमें हम कुछ जोड़ दे, मान लीजिए यहाँ पर ए जोड़ दिए या फिर इसमें 1 केजी और जोड़ दिए, तब ये बराबर नहीं रहेगा, तब इधर भी क्या करना होगा, 1 केजी जोड़ना पड़ेगा। या 1 केजी अगर इसमें घटा दे तो इधर भी 1 केजी हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अथवा 1 केजी का 4, मतलब 1 × 4 केजी अगर इधर रख दे, अर्थात इसमें गुना कुछ से कर दे, तो इधर भी उसी तरह के गुना का करना होगा। किसी चीज से अगर डिवाइड इस तरफ कर दे तो इधर भी डिवाइड करना होगा, तभी ये पॉइंटर बीच में रहना। तो इक्वेशन का एक प्रॉपर्टी हम लोग सीख गए हैं कि इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में अगर किसी संख्या से, एक ही समान संख्या से जोड़, समान संख्या से घटाओ, समान संख्या से गुना और समान संख्या से भाग देते हैं तो इक्वेशन का वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, इक्वेशन वही रहता है। तो हम लोग ये चीज सीख गए इक्वेशन का। अब आप अगर इक्वेशन सबसे पहले अगर बनाना सीखते हैं, जैसे मैंने एक छोटा सा समस्या दिया उस पर इक्वेशन बनाया, अब अगर थोड़ा सा जटिल, थोड़ा सा बड़ा अगर कोई समीकरण है, प्रॉब्लम है, तो उसका समीकरण कैसे होगा। जैसे मान लीजिए माँ और बेटी का उम्र, अर्थात माँ का उम्र मदर जो है और उसके डॉटर का जो उम्र है, एज है, इससे 4 times मदर का एज है, और आफ्टर 5 years 5 साल के बाद जो डॉटर का उम्र है उसका 3 times होने से उसका मदर के एज का इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, हमने जो जो बोला उस बात को आप इक्वेशन बनाइए। कैसे इक्वेशन बनेगा, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो भी एज डॉटर का होगा उससे 4 times ज्यादा मदर का होगा। दैट मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं लेट द एज ऑफ द डॉटर बी एक्स। मान लेते हैं कि जो पुत्री का उम्र है वो है एक्स। अब इसी बात से अब आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो अगर पुत्री का उम्र एक्स है तो इससे 4 times मतलब 4 गुना हो जाएगा मदर का एज, तो कितना हो गया, 4 गुना हो गया मदर का एज, 4x। और बोला आफ्टर 5 years, अब 5 साल बाद, तो अब क्या 5 साल इसमें भी जुड़ जाएगा और इसमें भी जुड़ जाएगा, तो आफ्टर 5 years लेटर डॉटर्स एज विल बी एक्स प्लस 5 years और मदर्स एज विल बी 4x प्लस 5 years। ये तब लास्ट में कंडीशन दिया है द डॉटर 3 times ऑफ द डॉटर्स ईयर विल बी इक्वल टू 4x प्लस 5। देखिए विल बी इक्वल टू, इसका मतलब इक्वेशन बन गया। इक्वल होना ही क्या चीज होता है, इक्वेशन होना। इक्वल कब होगा, वो तभी होगा जब डॉटर्स का एज में 3 times से गुना कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे। तो अगर हम इस डॉटर्स का एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ हो गया इक्वल, इसका मतलब हो गया ये एक इक्वेशन बन गया।
तो कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो उसका इक्वेशन इसी तरह से बन सकता है। अब एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, सपोज इट्स अ रेक्टेंगल, द लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, लेट द ब्रेथ इज x सेंटीमीटर, सो लेंथ इज x प्लस 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है उससे 4 सेंटीमीटर ज्यादा है इसका लंबाई। अब अगर बोला गया कि इसका ब्रेथ को 3 सेंटीमीटर अगर हम 3 सेंटीमीटर और लेंथ को भी 3 सेंटीमीटर हम इंक्रीज कर दें, तो बाद वाले रेक्टेंगल का एरिया, मान लीजिए इसे भी आप चित्र में देखकर समझ लें, अब ब्रेथ बढ़ गया कितना, x प्लस 3 सेंटीमीटर और ये होने से हुआ x प्लस 7 सेंटीमीटर, तो बोलता है ये इक्वेशन का राइट हैंड साइड आ गया और इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला है, इस रेक्टेंगल के एरिया से इस रेक्टेंगल के एरिया को आपको माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। और हम रेक्टेंगल का एरिया कैसे जानते हैं, रेक्टेंगल का एरिया हम लेंथ इनटू ब्रेथ, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, ये लेंथ इनटू ब्रेथ छोटा वाला रेक्टेंगल को माइनस कर देते हैं। अब देखिए आराम से यहां पर हम माइनस करते हैं, ए लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 81 स्क्वायर मीटर। और इस तरह से आप यहां पर इसका कैलकुलेशन, अभी हम सॉल्व नहीं सिखा रहे, आपको केवल इसका समीकरण सिखा रहे हैं, इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं। जब आप इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो आपको इक्वेशन को सॉल्व करने सिखाएगा, वो भी बहुत आसान तरीका। मेरे बातों पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा तो आप आराम से इक्वेशन को सॉल्व भी कर लीजिएगा, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी है इक्वेशन बनाना, गणित में इक्वेशन बनाना। विभिन्न प्रकार के जो प्रॉब्लम रहेंगे उसका आपको इक्वेशन बनाना सीखना होगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मान लीजिए देखिए एक और सवाल आप कर लेते हैं, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का ये बेस है और ये अल्टीट्यूड है, ये आधार है और ये ऊंचाई है। बोला कि जितना भी बेस होगा उसका 5/3 उसका अल्टीट्यूड होगा, ऊंचाई होगा, तो अब जितना भी बेस उसका 5/3 उसका हाइट, इसका मतलब जितना भी बेस मतलब कितना, लेट द बेस बी एक्स, हम मान लिए कि इसका बेस एक्स है, तो अल्टीट्यूड कितना हो गया, 5/3 ऑफ एक्स, इतना हो गया। अब बोला कि अगर बेस को इंक्रीज कर दे, बेस को अगर बढ़ा दे, तो बोला कि 4 सेंटीमीटर बढ़ा दे तो अल्टीट्यूड जो होगा वो बोलता है कि 2 सेंटीमीटर कम, ये भी बेस और ये अल्टीट्यूड, ये बेस और अल्टीट्यूड, तो बोला यहां पर क्या एरिया सेम ही रहेगा, क्या रहेगा एरिया सेम रहेगा, तो इसका एरिया और इसका एरिया को दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल के बिना इक्वेशन नहीं हो सकता, इक्वल आ गया इसका मतलब इक्वेशन बन गया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस × हाइट, 1/2 × आधार × ऊंचाई, 5/3, और इसका क्या हुआ, 1/2 × आधार × ऊंचाई, 5x/3 - 2, ये भी इक्वेशन बनेगी। अब इसका अगर आप किसी तरह सॉल्व करने जानते हैं तो आप यहाँ बेस कितना होगा, इसका एल्टीट्यूड कितना होगा, आराम से आप निकाल सकते, कोई भी समस्या का देखिए इक्वेशन अगर बनाने सीख गए तो आप निकाल सकते हैं। अब एक और समस्या लेते हैं, माना बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं को जोड़ने से
होता है 2490, 2490। अब बोलता है 6.5% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ द सेकेंड। तो अब ये दो को जोड़ने से ये होता है, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, देन व्हाट विल बी द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर मस्ट बी 2490 माइनस एक्स, ये दो ठो नंबर हो गए। अब क्या बोला, 6.5% ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 8.5% ऑफ दिस इज इक्वल टू, इक्वल टू अर्थात इक्वेशन बनना प्रारंभ हो गया। कैसे, 6.5% ऑफ फर्स्ट माने x इज इक्वल टू 8.5% ऑफ द सेकेंड 2490 माइनस x, ये इक्वल हो गया। परसेंट का मतलब नीचे 100 होता है, वो जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। लेकिन हम यहाँ देख रहे जटिल से जटिल प्रॉब्लम का भी यदि हम इक्वेशन बना दिए, अगर हम इसको सॉल्व करना सीख जाते हैं तो हम कोई भी समस्या सीख सकते हैं, कोई भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये वन वेरिएबल वाला इक्वेशन बनाना हुआ। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे कहा बोला है कि अगर तीन लगातार संख्याओं का जोड़ 21 है, आपको पहले से पता नहीं है लेकिन बताया गया कि तीन लगातार संख्याओं का जो फल 21 है तो तीनों संख्या बताएं कौन कौन सी होगी। तो इसका कैसे होगा, हम जानते हैं कंसेक्यूटिव नंबर अगर एक है तो दूसरा उससे एक ज्यादा होगा और उससे एक और ज्यादा होगा, ये हुआ तीन, तीन कंसेक्यूटिव नंबर। ये तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो बोलता है 21 होगा, कितना होगा 21 होगा, इक्वल को क्या कहते हैं 21 या इज 21। तो ये इक्वेशन हो गया। अब आप आराम से अगर इसका सॉल्व करने जानते हैं तो आप निकाल दीजिएगा कितना होता है। इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी होता है, इक्वेशन अगर आप बनाने सीख गए तो आप आराम से कोई भी समस्या को लिखकर उसका समाधान कर लीजिएगा। इसी तरह आपका ये तो था एक वेरिएबल वाला, लेकिन दो वेरिएबल वाले भी इक्वेशन होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन, अर्थात दो चर वाले जो समीकरण होते हैं तो दो वैल्यू आएगा उसका और उसको हम लोग युगपत समीकरण कहते हैं। तो देखिए बोला दो संख्याओं को जोड़ने से होता है 20 और दो संख्याओं को घटाने से होता है 10, तो वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी। तो ये दो संख्या में माना कि पहली संख्या x है दूसरी संख्या y, दोनों को जोड़ने से होता है 20, घटाने से होता है 10, ये हो गया आपका इक्वेशन का बने समीकरण। फिर द्विघातीय समीकरण भी होते हैं, कहा है कि दो लगातार संख्याओं का गुणनफल यदि 20 है तो वो संख्या कौन सी होगी। माना एक संख्या x है तो दूसरी होगी x प्लस 1, अगर ये दोनों को गुना कर दें तो हो गया 20। देखिए इस तरह का भी समीकरण आ सकता है। तो हम लोगों ने आज केवल समीकरण बनाना सीखा, वो समीकरण सिंगल वेरिएबल का हो सकता था, डबल वेरिएबल का हो सकता है, अथवा वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, स्क्वायर। देखिए एक्स एक्स का हुआ स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 20, इस तरह का भी समीकरण बन सकते हैं। सभी समीकरणों में एक चीज समान है कि कुछ न कुछ समस्या है, उन समस्या को आप इक्वल से समीकरण बनाते हैं। मैं अगला वीडियो में आपको सिंगल वेरिएबल वाले समीकरण का समाधान करने सिखाऊंगा और डबल वेरिएबल वाले भी समीकरण का समाधान करने सिखाऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समीकरण का समाधान करने सिखाऊंगा। मैंने इस वीडियो में आपको इक्वेशन बनाने वाली समस्याओं पर जोर देकर आपको इक्वेशन बनाने की कला को सिखाया है दोस्तों।
इसमें जो भी आपको अगर दिक्कत होती है तो मुझे आप कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो जो वीडियो हम बनाएं आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको जो मैथ्स पहले कठिन लगता था वो अब आपको बहुत आसान लगने लगेगा। धन्यवाद।